14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर गठित भीषण अग्निकांड में 66 सदस्य सुमन कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है कि अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस एक सप्ताह तक मनाया जाता है। गाजियाबाद में SSP अमित पाठक ने अग्निशमन सेवा सप्ताह को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर SSP ने बताया, गर्मी का सीजन चल रहा है, कई जगह शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, इसीलिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कल ही 12,000 लीटर का वाटर ब्राउजर सम्मिलित हुआ है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है। थोड़ा बिल्कुल जल्दी इधर आ जाइए सर। आज अग्नि सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। किस प्रकार से 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के एक बंदरगाह पर एक भीषण आग लगी, जिसको बुझाते समय 66 अग्निशमन सेवा कर्मियों की मृत्यु हुई थी। तब से ये अग्निशमन सेवा अग्नि से सुरक्षा उपाय और हमारी तैयारियों के लिए प्रति एक सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी इसका शुभारंभ हुआ है। इसमें एक छोटी सी जागरूकता रैली है, जिसमें अग्निशमन से संबंधित उपाय बताए जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं, पिछले दिनों में तेज गर्मी की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से छोटी बड़ी आग लग रही हैं, ऐसे में इस सप्ताह की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। कल ही हमें एक 12,000 लीटर का नया वाटर ब्राउजर प्राप्त हुआ है। पुरानी गाड़ियों की क्षमता करीब 4,500 लीटर रहती थी, इससे हमारी लगभग 3 गुना वृद्धि इसमें हुई है। हमारे अग्निशमन सेवा कर्मी अत्यंत अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, और आपने लगातार उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों के बारे में सुना है, और इस आयोजन के माध्यम से वो जनता को अग्नि से सुरक्षा के उपाय और उनके बारे में जानकारी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।